हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 66वीं मेंस एग्ज़ाम अभी हो चुका है। अब 66वीं मेंस एग्ज़ाम के बाद अब इसका रिजल्ट कब आएंगे इसके लिए डेट आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस दिन 66वीं मेंस एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। साथ ही इंटरव्यू की तैयारी अब कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, बता दूं कि आज के पेपर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है 66वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट अक्टूबर में। यानी कि अब जो भी कैंडिडेट बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं 66वीं का, उनको अब थोड़ा दिन और वेट करना है। 1 से 2 महीना अक्टूबर में आप लोग का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा गया है 66वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट अक्टूबर में निकलेगा। साल के अंत तक इंटरव्यू के साथ साथ इसका अंतिम रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही फास्ट में बीपीएससी इस बार अपना काम कर रही है। 66वीं मेंस का रिजल्ट का बात यहाँ पर अक्टूबर में किया जा रहा है, वहीं इंटरव्यू की इस साल के अंत में रिजल्ट भी फाइनल करने की बात कर रही है। रिक्तियाँ की संख्या 691 है और मुख्य परीक्षा में 2.5 गुने से कुछ अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकलेगा। यानी कि मुख्य परीक्षा में जो भी कैंडिडेट पास किया परीक्षा दिए हैं 691 सीटों के लिए, उनको 2.5 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए रिजल्ट देगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालेगा इंटरव्यू के बाद। इसमें यहाँ पर यह भी लिखा गया 18 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए चयन होगा। यहाँ पर देखिए 2.5 गुना यानी कि तिगुना के लगभग यहाँ पर स्टूडेंटों को बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 66वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 29 से 31 जुलाई के बीच पटना में 9 केंद्रों पर आयोजित की गई। 66वीं पीटी में 8,675 अभ्यर्थी सफल हुए थे। वहीं पर अगर मेंस की बात करें तो 7800 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि टोटल 90% स्टूडेंट ही इस बार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसमें 1800 मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि अब सिर्फ 1800 स्टूडेंट का इसमें रिजल्ट होगा जो कि इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इंटरव्यू में जो कैंडिडेट पास करेंगे उसको फाइनल रिजल्ट दे करके ज्वाइन करा लिया जाएगा। इस बार देखिए ये भी लिखा गया नवंबर में होगा इंटरव्यू। 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नवंबर में साक्षात्कार लिए जाने की संभावना है। यहाँ पर संभावना की बात करें नवंबर में, दिसंबर में इसका अंतिम परिणाम प्रकाशित होगा और रिक्तियों के अनुरूप 691 अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाओं के लिए चयन होगा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 66वीं बीपीएससी मेन का रिजल्ट अक्टूबर के अंत तक और साक्षात्कार के बाद साल के अंत तक रिजल्ट जारी किया गया। यानी कि यहाँ पर अक्टूबर में रिजल्ट आ रहा है, नवंबर में इंटरव्यू होगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट इस बार 66वीं मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत डिफिकल्ट भी रहते हैं। इसलिए अभी से तैयारी करिए जिससे कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, क्योंकि रिजल्ट के आने के बाद जस्ट तुरंत लिया जाएगा इंटरव्यू। जैसे कि आपने 65वीं एग्ज़ाम में भी देखा कि मेन्स का रिजल्ट दिया, उसके जस्ट तुरंत एक सप्ताह के बाद इंटरव्यू का डेट रिलीज कर दिया गया। अब इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो यह था आज की खबर। आप लोग वेट करिए, कुछ दिन और धैर्य बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिएगा कि इस चैनल के माध्यम से सारी रिलेटेड जानकारी पल पल मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।